नमस्कार दोस्तों, आराम से अल्लाह मत करो। नजर बंद कर दिया गया है मोदी सरकार द्वारा, और उसी के चलते हमारे विधायक लोग जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान।
आगे करता है, पार्टी वाला सी आज पुलिस को आगे करता है, समर्थन के लिए आगे करता है। के पता नहीं दिन दबाएंगे चुने हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे आगे भाई अगर आजू का तो करता गौतम पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। आगे चले बाद में लेना फोटो यार, बाद में लेना। कार्यकर्ता ही मार रहे, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सारे वायरल कर रहे, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी कुछ भी कर देंगे नहीं, तो जी गल सुनिए किसानों की सुन देगी। देखो हूं तक 35-36 मौत हो चुकी ने, तो किनिया कलाशा हो चाहते ने, किनिया कलाशा का टारगेट रखे इन्होंने, उन्होंने गल तो नहीं सुनते। जिहड़ियां 7-7 घंटे ने मीटिंग करते हैं, गल तो 7 मिनटा च हल होने वाली है। काले कानून वापस लाओ, सदन का विशेष इजलास बुलाओ, तो GST लागू करने वास्ते अद्धी रात को 12 बजे पार्लीमेंट खुलवाई जा सकती है। हाँ होता है, हमारे से हो रहा है। रविंदर अपना भी लाइव कर लेना, भाई सब लोग बैठ जाओ, सही रहेगा मेरे मानना है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब अपने फोन से लाइव चला दो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे सर अभी आ रहा हूँ, लाइन डाल रखा है, एक कानून पास कराया थी, दो ही किसान उस
कई
है, कई किसानों की मौत भी हो गई और माफी मांगने के बाद वो कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव भी विशेष सत्र बना के लिखे। लेकिन मान साहब, जिस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद है, विधायक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे दिए हुए हैं। देखिए जी, वो जहाँ भी वो धरना दे रहे हैं उनकी उनका काम है, लेकिन ये आंदोलन जो है गैर राजनीतिक रहना चाहिए। हम भी 4 महीने से उनका साथ दे रहे हैं, कोई पार्टी का झंडा या कोई पार्टी का नारा नहीं लगता। हम किसान पहले हैं, एमपी बाद में हूँ, कलाकार बाद में हूँ, पहले किसान हूँ। ऐसे हमारे वॉलंटियर हैं, वो भी किसान है, किसान के बेटे हैं, भतीजे हैं, तो इसको नॉन पॉलिटिकल रखना चाहिए। और उनको वहाँ बोलने जो नहीं देते जथेबंदियों ने जो फैसला किया, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और मैं खुद मैंने 2 तारीख को चिट्ठी लिखी है ओम बिरला जी को कि स्पेशल सत्र बुलाओ। अगर GST को लागू करने के लिए आप आदि